नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 37 इयर्स है और इनका व्यवसाय ये एलआईसी एजेंट है। अब इनके हाथों को देखें तो दो तीन चीज़ें इसमें समझ में आती है। एक तो ये डार्क कलर की रेखा है, मैंने कई बार कहा है या तो फाइनेंस सेक्टर, अब एलआईसी हुआ तो वो भी एक फाइनेंस का ही पार्ट हुआ, यानी फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व है, उसमें सफलता पाता है, मैन्युफैक्चरिंग में पाता है सफलता, मेटल के बिजनेस अगर करे व्यक्ति या ज़मीन से जुड़े काम करे तो भी सफलता पाते, ये अगर ज़मीनों के काम करे तो भी इनमें सफलता मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएंगे तो भी सफलता प्राप्त करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे तो भी सफलता प्राप्त करेंगे, ज़मीनों से निकलने वाले सीमेंट या लोखंड या इस तरह के बिल्डिंग मटेरियल पत्थर इस तरह के काम में भी इनको सफलता मिलेगी और फाइनेंस उसमें भी सफलता मिले। ये डार्क कलर की रेखा है और ज़्यादातर लोग जिनके हाथों में इस तरह की रेखाएं होगी तो वो ये जितने मैंने सेक्टर बताए उसी सेक्टरों के अंदर काम करते हुए आपको पाए जाएंगे, तो ये प्रॉपर लाइन में है। अब ये कम मनी ट्रायंगल वाला हाथ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा कम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे पर इनको जब कोई राहु रेखा काटती है तो ज़्यादा असर करती है, छोटी राहु रेखा भी इनको ज़्यादा नुकसान देती है। और यही अगर मनी ट्रायंगल आपका बड़ा होता है, इस तरह का अगर मनी ट्रायंगल होता है और उसको बहुत बड़ी राहु रेखा भी काटती है तो ऐसा लगेगा जैसे किसी चींटी ने काटा है। और जब मनी ट्रायंगल छोटा होता है और एक छोटी सी रेखा भी हल्की सी भी काटे तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। ये एक बेसिक पामिस्ट्री की एक साइंस है ये, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन में ये ग्रोथ नहीं करेंगे। जब भी इस तरह की राहु रेखा आएगी उस समय टेंस आएगा, पर ओवरऑल जीवन का विकास अच्छा खासा होगा। मैं एक एक करके लाइनों को समझाऊंगा। इस पाम को देखे तो ये एक अच्छी धनुषाकार लाइन बन रही है, तो इस तरह का व्यक्ति समझदार होता है। सेकेंड चीज देखे तो बहुत बड़ा स्पेस तो नहीं मिला हुआ है पर फिर भी एक सम्मानजनक स्पेस मिला हुआ है, तो ये संपन्नता तो इनको जीवन में मिलने वाली है। इस पाम को देखे तो ये एक स्क्वेरिश पाम और रेक्टेंगल पाम दोनों है, तो मेहनती भी होंगे और नेचुरल है, इनका व्यवसाय बोल बच्चन का है तो ये बोलने वाला कार्य भी अच्छी तरह करते हैं, जिनका हाथ रेक्टेंगल होता है अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं। और साथ में इतनी सारी रेखाएं है तो ये लोग इतनी सारी चौड़ाई है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं मेहनती भी भरपूर होते हैं। ये अंगूठा भी इनको अच्छी खासी सफलता जीवन में दिलाने वाला है, बहुत सारे पॉजिटिव साइन है, एक ही साइन नहीं है। अंगूठा इतना नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद भी अच्छी खासी होती है। सेकेंड फैलेंज बड़ा है और अंगूठा भी बड़ा है तो व्यक्ति लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात बता पाता है, और जब इतना अच्छा अंगूठा हो तो ये भी व्यक्ति को ज़्यादा सफलता जीवन में देता है। और फर्स्ट फैलेंज तो इतना नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद भरपूर होगी। सेकेंड यहाँ पर कोन बना हुआ है तो ऐसे लोग टाइमिंग इनकी फास्ट होती है, फास्ट काम करने वाले होते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, 15-20% का ही कमी रहती होगी क्योंकि इनका काम ही डॉक्यूमेंटेशन का है। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर तो ये रहेंगे, 15-20% का कमी तो रहेगा। अब बुध पर्वत पर चले तो ये इनकी बुध रेखा यहाँ से शुरुआत हुई और ये कंप्लीट एंड तक जा रही है, बहुत बड़ा साम्राज्य ये क्रिएट करेंगे अपने जीवन में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ट्रिमेंडस ग्रोथ करेंगे, इतनी बड़ी बुध रेखा या तो बहुत बड़े साम्राज्य के कर्ता धर्ता बनेंगे या अपने लेवल पर बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट करेंगे। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके हाथ में,
ये बुध रेखा का बहुत बड़ा, ये इनको कब ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे पता भी नहीं चलेगा इनको, तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ दिलाएगी इनको जीवन में, एक खासियत ये। और बुध पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति बोली अच्छी होती है उसकी, स्पष्ट वक्ता होता है, और इन्होंने लिखा भी है जो भी है स्पष्ट बताना सर, यानी कुछ छुपाना मत, तो ये कारण है बुध पर्वत। जो भी होगा मन में होगा बोल देंगे, कुछ भी मन में नहीं रखते, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बेसिक सुंदरता भी इनको मिलती है, बोली इनकी अच्छी होती है, और बिजनेस के गुण भरपूर होते हैं, और बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी की गुण भी इनमें आते हैं, यानी नॉलेज आता है बेसिक। अब सूर्य पर्वत पर स्ट्रांग कोई सूर्य रेखा नहीं है, तो इसका मतलब बेसिक सफलता व्यक्ति को इजीली प्राप्त होती है। अब इनके हाथ में जो एक रेखा है वो मुझे कब का पजल कर रही है, यहाँ से निकली यहाँ चली, यहाँ से एक और रेखा निकली, यहाँ से एक और इस तरह से और जा रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे शुक्र वलय का एहसास दे रही है। इनके जन्म के बाद अगर इनका परिवार संपन्न हुआ होगा तो ये, मैं ये नहीं बोलता हूँ अति संपन्न हुआ होगा, बेसिक संपन्नता अगर मिली होगी तो ये शुक्र वलय है, और मूड स्विंग का प्रॉब्लम अगर देता होगा तो भी ये शुक्र वलय है, यानी सुबह अलग मूड, शाम को अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग, इस तरह का मूड स्विंग होता है, तो इसको आप शुक्र वलय मान सकते हो, नहीं तो इसको शुक्र वलय मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत बार कई लोगों के जीवन में बचपन में नहीं होता शुक्र वलय, तो परिवार संपन्न नहीं होता, उसके बाद आता है, तो बाद भी आया तो भी मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपको अगर है तो ये शुक्र वलय है, तो इसका बेनिफिट आपको जीवन में प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें तो मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ भी आप निर्माण करोगे या खरीदोगे। यहाँ पर देखें तो एक विद्या रेखा बनी हुई है, इस तरह की रेखा व्यक्ति को बेसिक नॉलेज दिलाती है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति और लोगों से ज़्यादा आगे रहता है। सेकेंड चीज, लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, अब ये जो काम करते हैं उसमें तो दिन भर इनको पूछ पूछ कर काम करने वाले लोगों का लगा ही रहता ताता, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये संख्या बढ़ती जाएगी। शनि पर्वत पर चले तो यहाँ पर भी देखिए एक कंटिन्यू रेखा, अगर यहाँ जॉइंट होकर ये गुरु पर्वत की ओर जा रही है तो LIC भी एक गवर्नमेंट का कामकाज ही है, गवर्नमेंट का ही एक उपक्रम है, तो सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति हाई पोजीशन पर पहुंचता है, और या ससुराल पैसे वाला होता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, ये इस तरफ इशारा करती है। कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक। अब मेरे हिसाब से इनको सरकारी वाली बेनिफिट मिली हुई है, और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है कंटिन्यू, तो जीवन में विकास तो अच्छा खासा रहेगा, और बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी, इनकम की कोई कभी स्टॉप नहीं होगा। हाँ, आगे चलकर मल्टीपल इनकम भी क्रिएट होगी, एक समय तो कोई भाड़े की इनकम जो रेंटेड इनकम कहते हैं वो भी होने के चांसेस इनके काफ़ी ज़्यादा है इनके जीवन में, क्योंकि इस तरह की फेट लाइनें जब होती है तो ये रेंटेड इनकम की ओर भी इशारा, पर ये 100% रिजल्ट देती है ऐसा नहीं, किसी को देती है ये रेखा, किसी को ऐसे ही पड़ी रहती है, और किसी को भरपूर रेंटेड इनकम का बेनिफिट देती है, पर कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे तक आपको इनकम की कोई कमी नहीं है, इनकम आती रहेगी। यहाँ पर देखें तो अगर ये फिश साइन बनती होगी तो व्यक्ति का धार्मिक रुझान अलग होता है, धर्म के प्रति एक अलग नज़रिया होता है। अब इनके गुरु पर्वत को देखें तो बहुत छोटा है शुक्र के मुकाबले, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ट्रैक्टर का टायर और ये बच्चे की साइकिल का टायर, इतना फर्क है, अगर ये बैलेंस करेंगे तो इनके जीवन में उन्नति ज़्यादा होगी। सेकेंड चीज, जब गुरु पर्वत का उभार शनि पर्वत के पास हो तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं भी रहती है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है,
और यहाँ पर देखें तो दूसरी कोई लाइनें ऐसी नहीं है, एक दो लाइनें ये थोड़ा सा धार्मिक और थोड़ा सा इनको ज्योतिष पामिस्ट्री की तरफ मिस्ट्री साइंस है उसमें इंटरेस्ट दिलाएगा ये लाइनें, और कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइनें चल रही है तो जीवन भर प्रोग्रेस होता रहेगा। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शरीर में एनर्जी भरपूर होती है ऐसे लोगों में, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह एनर्जी होती है, प्लस ऐसे लोग जवानी में और बचपन में अपशब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं और ये जीवन भर करते पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो कम होते जाता है। और यहाँ पर बारी मंगल भी अच्छा है तो जब किसी से मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। सेम चीज़ देखें तो इनका चंद्र पर्वत भी अच्छा है और साथ में ये रेखा इस तरफ जा रही है। अब इनका मुझे जन्म कहाँ हुआ और कहाँ ये कार्य करते पता नहीं, ये अगर जन्म स्थल से दूर अपना कार्य करेंगे तो इनको बेनिफिट जीवन में ज़्यादा होगी, और ये कभी विदेश भी चले गए तो भी इनको ज़्यादा बेनिफिट होगी। जन्म स्थल पर इतना विकास नहीं कर पाता व्यक्ति जब आपकी जीवन रेखा इस तरह की हो, तो आप या तो विदेश की ओर प्रयाण करें या अपना जन्म स्थल से 500-600 किलोमीटर अगर आप दूर जाओगे, अब आप दूर हो या नहीं हो मुझे कोई जानकारी नहीं, आप कौन से शहर में रहे हो मुझे कोई जानकारी नहीं, पर इस तरह की जीवन रेखा वाला व्यक्ति अगर विदेश में जाए या जन्म स्थल से दूर जाए तो अच्छा विकास करता है। और चंद्र पर्वत भी अच्छा है तो आपके चांसेस काफ़ी ब्राइटर हो जाते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ईजीली आपको जाने मिल जाएगा। और चंद्र पर्वत अच्छा रहता है तो व्यक्ति का विदेश से संबंध आता है, आप नहीं गए तो आपके संतान आपको कोई ना कोई संबंध आएगा या घूमने जाओगे किसी न किसी रूप से आपको आएगा। सेकंड, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। थर्ड, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है। फोर्थ, ये अच्छे परचेसर होते हैं तो ये भी खासियत मिलती है। और इतनी अच्छी बुध रेखा का डिस्कशन हमने कर ही लिया है, कंप्लीट नॉन स्टॉप आगे तक जा रही है नॉन स्टॉप, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बड़े साम्राज्य के कर्ता धर्ता बनोगे या अपने लेवल का साम्राज्य क्रिएट करोगे। अब इस रेखा के कारण आपके हाथ में मनी ट्रायंगल छोटा बनता है तो ऐसे लोग पैसा कमाते पर जल्दी से इन्वेस्ट कर देते, तो घर में कैश या बैंक बैलेंस में आपको कैश नहीं मिलेगी। अगर इनके पास से 5 लाख रुपया मांगोगे तो नहीं मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि विकास नहीं करते, विकास अच्छा खासा करते क्योंकि ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति के मालिक बनेंगे। सेकंड, आपके पास जब भी पैसा आए आप जमीनों में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल वाले जो लोग होते वो हिम्मती होते और उनको जमीन जायदादों से बहुत बेनिफिट होते देखिए। जिनका मंगल दबा होता है वो अगर उन्होंने 50 लाख की जमीन भी ली या कोई फ्लैट भी लिया तो हो सकता है एक ब्याज की तरह उनको मिले फ़ायदा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। पर जब मंगल वाले जिनके मंगल अच्छे होते वो एक 50 लाख का अगर फ्लैट कहीं पर ले भी लिया तो पता चलता है 20 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में बिक रहा है, उसका एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गया और बुढ़ापे तक अच्छी खासी समृद्धि पा लेते हैं। तो ये आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है और चाहे जितनी लोन लेकर भी आपको लेना पड़े लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं है, कंटिन्यू इनकम आती रहेगी। हाँ, रुकावटें मैं बताऊंगा, उस पीरियड में आपको रुकावटें भी आएगी। शुक्र पर देखें तो एक अच्छी सी शुक्र रेखा है, ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देगी, गाड़ी घोड़े में घुमाएगी, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। और शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति रहता अच्छी तरह से, गर्मी उसको पसंद नहीं आती, लग्जरियस लाइफ जीने की चाहत होती और जीता भी और पैसा भी खूब कमाता है, तो शुक्र आपको बहुत बढ़िया मिला हुआ है। अब आपकी हृदय रेखा देखें तो ये कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर ये सीधी चल रही है। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं, बचपन से ही आदर्श बना लिए रहते हैं, उसी आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, इतने बजे खाना, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर,
इतने बजे सो जाना, सिस्टम के ये लोग सिस्टम से चलने वाले होते हैं और उसमें जरा सा भी बदलाव आता है तो इनको गुस्सा आता है। पहली चीज, घर में इस लाइन के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इनकी ज़्यादा होती है और घर के लोग पेड़ नहीं होते, पर हाथ के नीचे के लोगों से ये ज़्यादा काम ले पाते क्योंकि ये सिस्टम से चलने वाले होते हैं और सिस्टम से चलने वाले और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते और ज़्यादा सक्सेसफुल रहते, तो ये भी एडवांटेज इनको मिलता है। और माइंड लाइन, हार्ट लाइन इतनी डार्क है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी झंझटें भरपूर बढ़ती जाएगी। इनको एक समय तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने लिए तो कभी जीवन में जिया ही नहीं हूँ, इतनी सारी झंझटों से घिरे रहते। कहीं घूमने भी गए तो शरीर जाता है, मन कहीं और रहता है और दुनिया भर की सुबह से लेके शाम तक झंझटें चलती रहती। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएगी और ये टाइप का प्रॉब्लम आपके जीवन में रहेगा और इसका कोई उपाय भी नहीं। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो गुरु पर्वत से ही शुरू होकर ये सीधी चलकर यहाँ चल रही, और यहाँ पर एक लाइन आकर अगर ये लाइन काटती होगी तो उम्र लगभग 33 के आसपास, या पिता की ओर से, जीजा की ओर से, या भाई की ओर से कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपको हुआ होगा या खर्च आया होगा अगर ये लाइन काटती होगी। हम क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे ये क्या कंडीशन है। अगर ये यहाँ से निकलकर कट कर रही होगी तो तीन लोगों में से किसी एक से खर्च आता है या कोई नुकसान जाता है, एक तो चीज़ ये हो गई। और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहती है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आया तो ये लोग विस्फोटक बनते हैं। और थोड़ी सी चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। अब इनकी जीवन रेखा कंप्लीट यहाँ तक जा रही है और यहाँ पर एक फोक भी बना हुआ है तो जीवन में यात्राएँ भी भरपूर रहेगी इनके। अब इनकी फेट लाइन को समझने के लिए हम इनके क्लोजअप का सहारा लेते हैं। इनके क्लोजअप का सहारा लेते हम, ये इनका क्लोजअप। अब इस फेट लाइन को देखें तो यहां तक ये सुंदर फेट लाइन नहीं थी, इतनी दमदार। पहले यहां पर फोकस करते, ये लाइन यहां से आई और ये पता नहीं चल रहा है ये कट कर रही है कि ये खाली यहां से डबल फोक बना रही है, जजमेंट नहीं आ रहा है। और ये अगर कट करती होगी तो 33 के आसपास जो मैंने बताया वो हुआ होगा, या ऐसे भी नॉर्मल भी कट होगा तो भी 33 के आसपास कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान इनको गया होगा। अभी ये फेट लाइन देखे तो यहाँ पर सुंदरता नहीं है इस फेट लाइन में, तो इतना ग्रोथ इनके जीवन में हुआ नहीं होगा, एक तो चीज़ ये। और उसके पहले फेट लाइन को समझने के पहले यहाँ पर चलते, एक 33 में एक रेखा आ रही है और काट रही है तो यहाँ पर रुकावट भी आई होगी इनके और यहाँ पर एक ऑफशूट भी जा रहा है तो कोई कोई सफलता भी इनको जीवन में प्राप्त हुई होगी। और उसके बाद एक 36 में एक राहु रेखा ने काटा। अब ये छोटी राहु रेखा भी व्यक्ति को परेशान करती है जिनका मनी ट्रायंगल कम होता है। उसके बाद एक 43 में एक राहु रेखा काट रही है, ये भी पतली है इसी की तरह 36 की तरह, तो ये भी इनको परेशानी देगी। पर यहाँ पर इसके इस रेखा के कारण अगर ये ट्रायंगल बनता होगा तो ये प्रॉपर्टी का भी लाभ इनको जीवन में प्राप्त होगा और एक ऑफशूट ने यहाँ पर भी कोई ना कोई सफलता या प्रॉपर्टी दिलाई होगी 33 के आसपास, और यहाँ पर कोई ना कोई लाभ होता हुआ दिख रहा है इनको। उसके बाद 43 के बाद एक 46 पर एक राहु रेखा काट रही है और एक 48 में थोड़ी सी बड़ी काट रही है, और उसके 5-6 सालों के बाद एक ऑफशूट भी है तो ये भी लाभ देगा। और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, एक छोटी सी हल्की सी काट रही है मामूली सी, तो ये हो गया 48 और 5 53-55 के आसपास एक हल्की सी राह, 55 या 56 के आसपास एक हल्की सी राहु रेखा काट रही है। अब आपके फिट लाइन पर वापस चलते,
यहाँ तक 36 तक आपको फेट लाइन का इतना साथ नहीं है, जैसी चाहिए वैसी नहीं है, तो इतना ग्रोथ आपके जीवन में हुआ नहीं होगा। 36 में आपके कमाई के माध्यम में बदलाव आया होगा और एक कट लगभग 40 के आसपास आपके जीवन में है। इस कट में भी आपको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपको जाएगा। उसके बाद एक कट, अगर ये हृदय रेखा से निकलती होगी रेखा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में और ये पीरियड होगा लगभग 48 के आसपास का, या फिर ये आपको आर्थिक नुकसान देगी। उसके बाद ये रेखा के बाद आपकी ये फेट लाइन इतनी सुंदर हो रही है कि आप बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे। यहाँ से ही ग्रोथ तो चालू हो जाएगा आपके जीवन में, 36 से ही आपके जीवन में ग्रोथ तो चालू हो जाएगा। और ये शार्प रेखा है, 48 में वो 4-5-6 गुना ग्रोथ बढ़ जाएगा और बीच बीच में छोटी छोटी रुकावटें आती रहेगी, पर ओवरऑल अच्छा खासा प्रोग्रेस आप करोगे। और यहाँ पर भी रेखा निकल रही है, ये भी रेखा है, तो रेंटेड इनकम की ओर भी इशारा जा रहा है और बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम आपको आती रहेगी। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू प्रोग्रेस है। आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।